सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैडी और आज इस वीडियो में जो है हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 42 इंच जो है रियलमी की टीवी, स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग करेंगे, जहाँ पे आप लोग को जो है 24 वॉट का जो है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसमें जो है बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो बॉक्स में आप लोग को जो है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग को एक इस तरह से जो है फीमेल टू मेल जो है पिन मिल जाती है, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। बॉक्स में आप लोग को रिमोट भी मिल जाता है, जो कि नॉर्मल रियलमी के रिमोट से आप लोग देख ही सकते हो। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 32 इंच के टीवी की जो है अनबॉक्सिंग की है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी वरना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये जो है ऑफ़र में 22,000 रुपीज़ में आया था, उसके लिए जो इसको बाई किया था हमने, और अभी जो इसकी प्राइस वापस 30,000 रुपीज़ हो गई है। तो आप लोग जो है ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ANT है, 2 USB पोर्ट है और 3 HDMI पोर्ट्स आप लोग को मिल जाती है। उसी के साथ साथ नीचे आप लोग को जो है एक जो है आपकी नेट की पोर्ट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले तो इसको बूट कर लेता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा वर्जन है, कितने GB रैम और कितने GB स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। चालू होता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कहीं से भी आप लोग व्यूइंग एंगल बहुत अच्छी आप लोग को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें मिलती है। अगर अपडेट आता है तो दोस्तों मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि हो सकता है तो अपडेट मत ही करो, क्योंकि कभी कभी उसमें बग्स आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट में भी आप लोग को HDMI 1.2.3 मिल जाता है, वाईफाई चालू है इसमें। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे सेटिंग में आप लोग को जो है स्टोरेज में आप लोग को देखा दो कि, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को टोटल 12 GB मिल जाती है। आई गेस ये 16 GB होगा, लेकिन उसमें जो है सिस्टम कुछ खा लेती है, उसके बाद जो है आप लोग को 12 GB फ्री मिल जाती है। और उसमें जो है मतलब जो है 12 GB स्टोरेज मोर देन इनफ हो जाती है, आपकी टीवी जो है बिल्कुल भी लैग नहीं करेगी। 2 GB रैम इसमें आप लोग को मिल जाता है, जिसके वजह से आप लोग मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। कभी नेटफ्लिक्स ओपन किया है तो साइड बाय साइड यूट्यूब वरना बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। Android 10 यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। गाइस बहुत लोग जो है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं YU TV के साथ, जो कि इससे जो है 3,000-4,000 रुपये ज़्यादा में मिल रही है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि YU TV में जो है डिस्प्ले का इशू नहीं आता, जबकि Realme TV में डिस्प्ले का इशू आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो है 2 साल की जो है पैनल की वारंटी मिल जाती है, डिस्प्ले पैनल की, जो कि आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग वापस जो है उसको क्लेम करवा के जो है आप नया डिस्प्ले पैनल डाल सकते हो, जबकि YU में ये आप लोग को ऑफर नहीं मिलता है। और जो है जब भी 1,000 वरना जितने भी ज़्यादा यूनिट्स अभी सेल होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को जो है एक छोटा सा कोई भी अगर प्रोडक्ट होगा तो उसमें आप लोग को इशू नज़र आ सकता है। डिफेक्ट थोड़ा किसी में भी हो सकता है, भले वो सोनी ब्रांड की भी हो, उसमें भी जो है डिफेक्ट हो सकता है। बाकी गेमिंग में देख सकते हो, गेमिंग भी मैं आप लोग को खेल के दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग हुआ जब भी गेम स्टार्ट हुआ, बट अभी मुझे जो है ज़्यादा इसमें कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा है लैग। अभी आप लोग को YouTube पे भी जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को जो है कितनी क्वालिटी में ये जो है ये वीडियो जो है पुश कर सकता है। उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो है पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने जो है एक वीडियो चालू की है, अभी इसमें जो है मैं चले जाता हूँ इसके जो है पिक्सल पे। यहाँ पे आप लोगों को इस रिमोट पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप लोग पिक्चर मोड भी चेंज कर सकते हो। तो उसको आपको मूवी में रखना है, अगर आप लोग कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो, भले यूट्यूब की हो वरना कोई नॉर्मल हो, जिसमें आप लोग को वो बहुत सारी जो है फंक्शन मिल जाते हैं, बैकलाइट से लेके ब्राइटनेस से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अभी जो है यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में, यहाँ पे जो है आप लोगों को क्वालिटी दिखाते हैं। तो क्वालिटी देख सकते हो आप लोग, ये जो है 60 मतलब 4K में जो है ये पुश कर लेता है ये क्वालिटी को। बट क्योंकि मेरा वाईफाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको चला पाए, तो इसके लिए जो है मैं इसको 1080 पिक्सल्स में अभी आपको लोड करके बता देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों पिक्चर क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, और मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी जो है लैग वरना जो है व्यूइंग एंगल्स में कोई इशू ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है, जो कि बाकी के टीवीज़ में होता है वैसे इसमें है। और जो है मेन यहाँ पे जो है जो आप लोग को बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके वजह से जो है आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटे जो यहाँ पे बेजल्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है परफॉर्म करता है। ओवरऑल दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है ये टीवी है। अगर आप लोग को लेना है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये ही बजट में मतलब 20,000 से 30,000 रुपये के बजट में जो है 42 इंचेस की टीवी आ जाती है, 8 सेंटीमीटर की जो है टीवीज़ आती है। मैं सब सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट जो ब्रांडेड रहेंगे मैं उनके ही दूंगा, क्योंकि जो है वारंटी क्लेम करने में जो है बाद में इशू आ जाता है। तो इसके लिए जो है अच्छे जो बजट टीवी है उनके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके ज़रूर से बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।